गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एक ही मात्रा वाले शब्द लिखिए। राइटिंग बुक से वर्क है आपका। देखिए, चित्र में बना है शेर। अब शेर कैसे लिखेंगे? श में एक ही मात्रा, र, शेर। अब हम पहले डॉटेड फॉर्म में लिखते हैं, श, श में एक ही मात्रा, शे और र, शेर। ओके, अब हम यहाँ अपने आप लिखेंगे, श एक ही मात्रा, र, शेर। एक और बार लिखते हैं, श एक ही मात्रा, र, शेर। ठीक है, इस लाइन में आपको अपने आप से लिखना है। नेक्स्ट है पेड़। प में एक ही मात्रा, ड, पेड़। डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे पहले, प एक ही मात्रा, ड, पेड़। ओके, अब यहाँ अपने आप से लिखेंगे, प एक ही मात्रा, ड, पेड़। एक और बार लिख लेते हैं, प एक ही मात्रा, ड, पेड़। इस लाइन में आपको अपने आप से लिखना है। ठीक है, फिर आपका रेल। र में एक ही मात्रा, ल, रेल। पहले डॉटेड फॉर्म में, र एक ही मात्रा, ल, रेल। हाँ, अपने आप से लिखते हैं, र में एक ही मात्रा, ल, रेल। एक और बार, र में एक ही मात्रा, ल, रेल। इस लाइन में आपको अपने आप से लिखना है। फिर है सेब। स में एक ही मात्रा, ब, सेब। डॉटेड फॉर्म में, स में एक ही मात्रा, ब, सेब। अब यहाँ पे अपने आप लिखेंगे, स में एक ही मात्रा, ब, सेब। एक और बार लिखते हैं, स में एक ही मात्रा और ब, सेब। इस लाइन में आपको अपने आप से लिखना है। फिर है केला। क में एक ही मात्रा, ल में आ की मात्रा, केला। डॉटेड फॉर्म में लिखते हैं, क में एक ही मात्रा, के, ल में आ की मात्रा, ला, केला। यहाँ पर अपने आप से लिखते हैं, क में एक ही मात्रा, ल में आ की मात्रा, केला। एक और बार, क में एक ही मात्रा, ल, ल में आ की मात्रा, केला। ओके, तो इसी तरह से इस लाइन में आपको अपने आप से लिखना है। ठीक है, वैसे इसी तरह से आपको अच्छे से लिखना है और इन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।